बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट खुद से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। ऑनलाइन करने के लिए सिंपल से अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और सर्च पेपर टाइप कर लेना है ओएफएसएस बिहार, जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई जहाँ से इंटर के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू किया गया है। सिंपल से आप लोग को सर्च वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं वीडियो कराएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ओएफएसएस बिहार, आप लोग को सिंपल से उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं फिर से आप लोग को न्यू पेज ओपन होकर आएगा, जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट का पेज है वो पूरी तरह से ओपन होकर आ जाएगा, जो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए आप लोग को अपने मोबाइल के डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है, तो डेस्कटॉप साइट में यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को एडमिशन लेने में किसी प्रकार के दिक्कत फॉर्म फिलअप करने में ना हो। यहाँ पर आप लोग को डेस्कटॉप साइट में ओपन हो रहा है, नीचे की ओर फिर से आप लोग को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन इंटर एडमिशन आप लोग को जिसके लिए बनाया गया इस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से आप लोग को न्यू पेज, अगर आपके क्वेश्चन में डाउट है तो डॉट नेट के साथ 5 सेकंड में करें उस क्वेश्चन को आउट, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। पाई वीडियो सॉल्यूशन मात्र 2 सेकंड के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन आप लोग को फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो या बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी भी अनदर बोर्ड का हो, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक IIT JEE नीट एडवांस लेवल तक, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन पूरा मिलेगा आप लोग को। इंडिया के नंबर 1 यहाँ पर एडुकेशन के द्वारा इस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आप लोग को कुछ इस तरह से आप लोग को जो इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू किया है उसमें कुछ निर्देश आप लोग को दिया गया है, उस गाइडलाइन को आसानी से आप लोग को सभी स्टूडेंट को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप लोग को पूछा गया है कि ऊपर से लिखे हुए निर्देश से आप सहमत है, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है और आवेदन करने के लिए क्लिक हेयर फ्लिप एप्लीकेशन फॉर्म पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं जो ऑफिशियल आप लोग को पेज यहां पर बनाया गया जो जिसमें आप लोग को डिटेल्स को फिलअप करना है वो पूरी तरह से यहां पर आप लोग को ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप लोग को सेशन और इंटर एडमिशन के लिए आप लोग को 2021-23 सेशन के सभी स्टूडेंट का यहाँ पर आप लोग को आकर खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ निर्देश दिया गया है जिसमें आप लोग को लाल रंग और यहाँ पर आप लोग को जो स्टार्क भरा गया है उस चीज़ को आप लोग को फिलअप करना अनिवार्य होगा, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले भर लेते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं आप लोग को जो बिहार बोर्ड यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो उनको ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा और यहाँ पर आप लोग को आज 20 वर्ष आप लोग को 10th पास किए हैं जो यहाँ पर आप लोग को पूछा जाए पासिंग ईयर, तो सिंपल से जो भी स्टूडेंट इस बार पास किए हैं तो इस बार 2021 को सेलेक्ट करना है, जो पिछले वर्ष पास किए थे और यहाँ पर आप लोग को इंटर में एडमिशन नहीं लिए थे उन सभी स्टूडेंट के लिए 20 सेलेक्ट करिएगा जो इस बार पास किए हैं, तो यहाँ पर आप लोग को 21 सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप लोग को आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तो जो भी स्टूडेंट वार्षिक एनुअल से पास किए हैं तो वार्षिक एनुअल पर आप लोगों को क्लिक करना, जो इंप्रूवमेंट से आप लोगों को पास किए हैं वो इंप्रूवमेंट पर आप लोग को क्लिक करना, जो फर्स्ट रिजल्ट आप लोग को घोषित किया गया तो उसमें आप लोग जो भी स्टूडेंट पास किए हैं तो एनुअल आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को इंटर आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एडमिट कार्ड पर जो दिया गया डेट ऑफ बर्थ उसको यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिंपल से यहाँ पर आप लोग को भी सेलेक्ट करना है जो भी आपका एडमिट कार्ड पर आप लोग को जो एडमिट कार्ड पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ को उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को रोल कोड को यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर लेना है ताकि आप लोग को किसी प्रकार के आप लोग को यहाँ पर दिक्कत ना हो, रोल कोड को फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को रोल नंबर को फिलअप कर लेना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर जो दिया गया है उसी आप लोग को रोल नंबर को यहाँ पर आसानी से आप लोग को फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को सर्च वाले बटन पर आप लोग को क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कुछ देरी आप लोग को इंतजार कराएगा और बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी आप लोग को डाटा उपलब्ध है वो पूरा यहाँ पर आप लोग को आपका आवेदन का नाम जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर शो करेगा, उसका आप लोग को पिता का नाम और मदर्स का नाम अच्छे ढंग से आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को शो करने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को एक फोटो को अपलोड करना है जो PNG फॉर्म में आप लोग को अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं PNG में यहाँ पर फोटो में मेरे पास आए तो उसको यहाँ पर आप लोग को अपलोड कर लेता हूँ। इस तरीका से आप लोग को यहाँ पर फोटो को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नंबर का आपका एग्जाम था जो सिलेक्टेड रहेगा और कितना मार्क्स आया है जो भी यहाँ पर आप लोग को सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद आप लोग को जो भी स्कूल का नाम है नाम सेलेक्टेड रहेगा, स्कूल का यहाँ पर आप लोग को एड्रेस को फिलअप करना है और आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड रहेगा और आप किस साल आप लोगों
यहाँ पर जो भी स्कूल से आप 10th पास किए हैं उस स्कूल को कब आप लोगों को नामांकन लिया था जो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना, तो जो भी आप जब जिस वर्ष आप लोग नामांकन लिए थे उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर लेना। तो बारी बारी से मैं फिलअप कर लेता, तो यहाँ पर मैं डिटेल को फिलअप कर लिया। उसके बाद आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लिंक पूछा जाएगा कौन सा आप लोग को जेंडर है। अगर लड़का है तो यहाँ पर मेल फिलअप करना, लड़कियाँ तो फीमेल, और साथ ही साथ आप लोग मातृभाषा जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, आप लोग को नागरिकता भी सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आप लोग को कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है वो धर्म को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, तो ब्लड ग्रुप भी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को स्टेट सिलेक्टेड रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आप लोग को डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है। आपका पहचान पत्र पता यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। इसमें आप लोग को पूछा गया है कौन डिस्ट्रिक्ट आप लोग सिलेक्टेड, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना, आपका कौन सा प्रखंड पड़ता है जो, पिन कोड को फिलअप करना है और यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर लेना है, और उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप कर लेना। तो बारी बारी से मैं यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को पर्सनल डिटेल्स जो है यहाँ पर आप लोग को अच्छे ढंग से फिलअप कर लेना है। मैं यहाँ पर आप लोग को ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट को पर्सनल डिटेल को यहाँ पर शेयर करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को पूरी तरह से मोबाइल नंबर आप लोग को 100% वैलिड मोबाइल नंबर आप लोग को देना है और एक ईमेल आईडी को भी वैलिड देना है। यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड रहेगा तो यहाँ पर आप लोग को हरा का टिक लग जाएगा, तो इस तरीका से टिक लगना अनिवार्य होगा। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। नीचे की स्क्रॉल करना और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को इसमें आप लोग को जो बताया गया है आपको एडमिशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प ये दिया गया है। इस विकल्प को अच्छी ढंग से आप लोग को समझना है। यहाँ पर आप लोग को मिनिमम 10 कॉलेज को नाम को चूज करना और अधिकतम 20 कॉलेज को नाम को चूज करना जिस भी स्ट्रीम से आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं साइंस और कॉमर्स से, और साथ ही साथ आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th पास किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करते हैं और 12th कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आप लोग को एडमिशन लेकर करना चाहते हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज को सेलेक्ट करना है, और जिस भी स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसे यहाँ पर स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेना। तो बारी बारी से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेज है वो कॉलेज का लिस्ट यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिस भी कॉलेज से वो कॉलेज को आप लोग को चूज कर लेना है। तो इस तरीका से चूज करने के बाद आप लोग को जिस भी स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, स्ट्रीम का मतलब होता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम से आप एडमिशन लीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो भी आप लोग स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्ट्रीम को यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एग्जाम के तौर पर मैं आर्ट्स को सेलेक्ट कर लिया हूं और उसके बाद एक कॉलेज का भी नाम आप लोग को चूज कर लिया हूं। इसके बाद यहां पर आप लोग को बोला जा रहा है कि क्या आप किसी दूसरे को विकल्प को भी आप लोग को फिलअप करना चाह रहे हैं, तो 100% आप लोग को फिलअप करना होगा। तो यहां पर आप लोग को यस पर क्लिक कर देना, उसके बाद आप लोग को दूसरा आप लोग को स्कूल और कॉलेज का नाम यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आप लोग को आ जाएगा। तो दूसरा में आप लोग को सेकंड में फिर से आप लोग को क्लिक करना और यहां पर फिर से आप लोग को स्कूल कॉलेज में जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, तो उस डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है जहाँ से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेगा, और दूसरा में जहाँ पर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्कूल और कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है ताकि किसी प्रकार के आप लोग एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीका से आप लोग को सेलेक्ट करना है। मिनिमम आप लोग को 10 और अधिकतम 20 कॉलेज को नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। इस तरीका से आप लोग को मिनिमम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज को नाम यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को फिर से आप लोग को ऑप्शन 9 पर आप लोग को क्लिक कर देना है कि अभी मुझे नहीं सेलेक्ट करना, अधिकतम आप लोग को 20 और मिनिमम 10 कॉलेज को नाम सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर 2 टिक को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोग को आवेदन शुल्क पर सिंपल से 350 रुपये पर आप लोग को क्लिक करना है। बताया जाएगा कितना मार्क्स में इतना नंबर आप लोग को आया है, ऑप्शन 10 के ऊपर आप लोग को सबमिटेड है और यहाँ पर आप लोग को ओके पर क्लिक कर देना है। सिंपल से आप लोग को इस पर ओके पर क्लिक करना है तो फिर से आप लोग को जो फॉर्म आप फिलअप किए हैं वो फॉर्म पूरी तरह से आप लोग को ओपन होकर आएगा और वहां से फिलअप को जो किए हैं उसको डिटेल्स को अच्छे ढंग से आप लोग को मिला लेना है। तो यहां पर फॉर्म आप लोग को ओपन होकर आएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को जानकारी दिया गया, देख सकते हैं यहां पर पढ़ा है कृपया आपके द्वारा दी गई जानकारी को जांच ले, अगर आपकी जानकारी बदलना चाहते हैं तो गो बैक से जाकर आप आसानी से यहां पर आप लोग को जो फिलअप किए हैं उस फिलअप किए हुए आप लोग को डिटेल्स को अच्छे ढंग से आप लोग को मिला लेना है, कहीं पर आप लोग को दिक्कत तो नहीं है। और यहां पर आप लोग को ऑप्शन
मिलेगा, जो भी आप लोग जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज का यहाँ पर नाम पूरा शो करेगा, और जिस भी स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्ट्रीम का नाम यहाँ पर आप लोग को शो करेगा। तो पूरा डिटेल को अच्छे ढंग से आप लोग को मिला लेना है ताकि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके बाद आप लोग को कंफर्म पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ से अगर आपका यहाँ पर आप लोग को कुछ गलती हुआ तो यहाँ पर गो बैक से जाकर आप लोग को फिर से एडिट कर सकते हैं, और कंफर्म पर आप लोग को क्लिक कर देगा तो यहाँ से आप लोग को पूरा सबमिटेड हो जाएगा। तो कंफर्म पर आप लोग को सिंपल से क्लिक करना है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं फिर से आप लोग को न्यू पेज ओपन होकर आएगा, और जो आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आप ऑनलाइन करते वक्त जो मोबाइल नंबर आप वैलिड मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर पर आप लोग को OTP दिया होगा, तो उस OTP को यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर लेना। तो सिंपल से मैं फिलअप कर लेता हूँ, OTP मेरे पास आ गया है और इस OTP को मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं OTP को फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोग को सबमिट वाले पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा फिर से आप लोग को नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जो आप लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरीका से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देखने को मिलेगा, आपका पूरा प्रोसेस जो है सबमिट होकर चला जाएगा। और साथ ही साथ जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं या ईमेल आईडी दिए हैं उस पर आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा, जहां से सभी स्टूडेंट आपका पूरा प्रोसेस यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग को एक बात को ख्याल रखना है कि पेमेंट भुगतान करने के लिए यहाँ पर आप लोग को सिंपल से क्लिक करिएगा। तो अगर आप लोग को वसुधा केंद्र से आप लोग अगर ऑनलाइन करवाए हैं तो वहाँ पर वसुधा केंद्र पर क्लिक करनेगा। SBI Pay अगर आपके पास है तो उससे क्लिक कर सकते हैं, और सब पैसा से भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो सब पैसा पर आप लोग को क्लिक करिएगा तो यहां पर आप लोग को पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करना है, जिससे आप लोग को डेबिट कार्ड से भी आप लोग कर सकते हैं, फोनपे से भी, जो भी आपके पास है ऑनलाइन करने के लिए आप लोग को पैसा पेमेंट कटाने के लिए वो पूरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ओपन होकर आएगा। सब पे पैसा पर आप लोग को क्लिक करिएगा तब। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोग को कीजिएगा तो खुलकर आएगा। यहाँ पर आप लोग अगर नेट आपका फास्ट रहेगा तो बहुत जल्द ही यहाँ पर ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, जहाँ से आप डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और साथ ही साथ रुपी पे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को कैश भी कर सकते हैं। इस तरीका से आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो पेमेंट सभी स्टूडेंट आसानी से कटा लीजिएगा, तभी आप लोग को इस रजिस्ट्रेशन का मानदेय रहेगा, अन्यथा आप लोग को मानदेय नहीं रहेगा। सभी स्टूडेंट डेबिट कार्ड या जो भी आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है उससे आप लोग पेमेंट कटवा सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके।